So we are talking about today's lecture is the impulse turbine. So what is the basically impulse turbine? Impulse turbine में है ना एक ऐसी टर्बाइन है जहाँ पर हमारे पास जो स्टीम है उस स्टीम का एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है? नोजल के अंदर. सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रहा है? नोजल के अंदर. और नोजल के अलावा है ना स्टीम एक्सपेंड नहीं कर रही है. ओके, नोजल के अलावा हमारे स्टीम का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोगों ने कैसी टर्बाइन बोला है? उसको हम लोगों ने बोला है इम्पल्स टर्बाइन. जब आपको डायग्राम जो दिखा रखा है, इस डायग्राम के अंदर हम लोगों ने ना इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है. इस क्रॉस सेक्शन के अंदर ना इस डायग्राम के अंदर देखो यहाँ पर इसके ना एक शाफ्ट बताई हुई है. इस शाफ्ट के ऊपर है ना हमारी पूरी केसिंग क्रिएट है. ये जो ऊपर लगी हुई है ना ये क्या है? केसिंग. हमने क्या करा है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यूज दिखाया है कि हाउ दिस क्रॉस सेक्शनल व्यूज कनेक्टेड. तो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर ये हमारे पास जनरली हम किस टाइप की नोजल कनेक्ट करते हैं? जनरली हम लोग है ना कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप की नोजल कंसिडर करते हैं. इस कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप की नोजल के अंदर देखो ये जो पोर्शन क्रिएट हो रहा है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल. ये कैसा होता है? ये फिक्स पार्ट होता है. भाई रिलीज कर देते हैं फिर उसके बाद से वापस करते हैं कि ये जो हमारे पास में पार्ट है, ये पार्ट कैसा है? ये पार्ट है हमारे पास कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पार्ट का. यहाँ से हमारे पास स्टीम क्या कर रही है? स्टीम इसके अंदर एंटर कर रही है. ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? स्टीम एंटर कर रही है हमारी नोजल के टर्बाइन के अंदर. टर्बाइन पे जाने के बाद में यहाँ पर दूसरी साइड में हमारे पास में क्या बनी हुई है? यहाँ पर हमारे पास में ब्लेड्स बनी हुई है जो कि क्या है, एक रोटर के ऊपर रोटेट हो रही है. रोटेशनरी, एक रोटेशनरी मोशन क्रिएट कर रही है रोटर के ऊपर. तो लेट्स सपोज कि इस बियरिंग के अराउंड पे क्या कर रही है, एक रोटेशनरी मोशन क्रिएट कर रही है. तो हमने किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर एक इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है. ठीक है, सो वी आर जस्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ दिस पॉइंट. तो फिर इससे स्टीम क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है. अभी हमने सिर्फ एक रोटर ब्लेड यूज करी हुई है और एक हमारे पास में क्या है, नोजल है. वन नोजल है और एक क्या है हमारे पास है, मूविंग ब्लेड है. इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंपल इम्पल्स टर्बाइन. दिस इज कॉल्ड द सिंपल इम्पल्स टर्बाइन. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी नोजल है उससे स्टीम एंटर कर रही है. स्टीम एंटर करने पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. आफ्टर इंक्रीजिंग ऑफ द वेलोसिटी एंड डिक्रीमेंट ऑफ द प्रेशर, ये कहाँ पर जा रही है, हमारे पास ब्लेड के ऊपर जा रही है. ब्लेड पे जाके क्या करेगी ये वेलोसिटी, क्या करती है, अपनी पूरी एनर्जी. वेलोसिटी किस फॉर्म में गेन हो रही है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. और ये काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोवाइड करवाते हैं, इस मूविंग ब्लेड्स को. तो मूविंग ब्लेड्स क्या करती है, जो हमारा रोटर है उस रोटर को रोटेट करवाती है और हमारे स्टीम को हम बाहर बाद में क्या कर देते हैं, इससे एग्जॉस्ट से बाहर निकाल देते हैं. इसको हम लोग है ना बियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, बियरिंग के थ्रू अटैच कर देते हैं. देखो यहाँ पर है ना बहुत छोटा सा पार्ट दे रखा है इस जगह पे. जूम करना एक बार अपने मोबाइल के अंदर, जहां पर मैंने ना अभी एक लास्ट सर्किल क्रिएट करा है, उस सर्किल के ऊपर ध्यान देना कि जहां पर हमारी ये केसिंग है, मैं जहां मेरा पॉइंटर है अभी उस पॉइंटर पे देखो, जहां पर मेरे पास केसिंग है कलर बदलते हैं ये पार्ट, ये वाला पार्ट इन द कलर ऑफ ब्लू. ओके, ये जो हमारे पास है ना ब्लू वाला पार्ट है, इस ब्लू वाले पार्ट के अंदर हमको क्या दे रखी है ना, कुछ पैकिंग दे रखी है. इस पैकिंग का काम क्या है, इस पैकिंग का काम है कि इसका फ्लो कंटिन्यूस बनाए रखना. तो इसको हम लोग बोलते हैं लिबिनिथ पैकिंग. तो इस लिबिनिथ पैकिंग से क्या रहती है, ये अटैच रहती है. अब देखो नीचे आपको क्या दे रखा है, एक नीचे आपको बता रखा है कैसे हमारे पास फ्लो कनेक्ट होता है इसका. अच्छा, स्टीम इंजीनियरिंग के लिए जो बुक हम लोग यूज करते हैं ना, बुक का नाम है आरके यादव, इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक है आरके यादव.
और इसके अंदर आपको आपका ना कंप्लीट 5 यूनिट्स का सिलेबस मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी बुक चलती है, पीके नाग चलती है पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, जो हम लोगों ने क्या ना पढ़ी थी, आर के राजपूत है, इन सब के अंदर ना पार्शनरी पार्शनरी पार्ट मिलेगा, बट आर के यादव इज अ बुक जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तो इसके थ्रू ना गो थ्रू होते रहना। ठीक है योगेश, आते हैं बच्चे इसके देखो इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, स्टीम के एक्सपेंशन को समझना है कि स्टीम का एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, जो कि है हमारा ये लोअर सेक्शन। कोशिश करते हैं इसको जूम, ठीक है, इसका जो लोअर सेक्शन है, इस लोअर सेक्शन को समझो, लोअर सेक्शन हाईलाइट कर देता हूँ पहले, उसको देखो कि है ना किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की। ठीक है, आओ इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन को है ना डिस्कस, इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो इससे जितनी भी पार्ट हमारे पास आ रहा था, जितना भी हमारे पास है ना, ये नोजल सेक्शन था, इसको हमने ना इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, फिर हमारे पास है ब्लेड सेक्शन था, उसको हमने इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, फिर हमारे पास में एग्जॉस्ट हो रहा है। नोजल के अंदर हमारे पास सेक्शन के अंदर क्या है, हमारे पास है नोजल है, तो उसको नोजल को कुछ ड्रॉ किया इस टाइप से, और जो हमारे पास में है ना ये आ रही है ब्लेड्स आ रही है, उन ब्लेड्स को हम लोगों ने इसमें ये ब्लैक ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है कि ब्लेड्स क्या है, कंसेक्यूटिव ब्लेड्स लगी हुई होती है रोटेशनरी मोशन के अंदर, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ब्लेड सेक्शन हमको दिखाई दे, हमारे पास क्या होती है कंसेक्यूटिव ब्लेड्स लगी हुई होती है। बाय यूजिंग ऑफ दीज कंसेक्यूटिव ब्लेड्स, By using of these consecutive blades, हम लोग क्या करते हैं, रोटेशनरी मोशन जनरेट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारी स्टीम किसके अंदर जा रही है, हमारी स्टीम का फ्लो हो रहा है नोजल के अंदर, तो नोजल पे जाने में क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगी और प्रेशर डिक्रीज होगा। इनिशियली प्रेशर जो है वो हमारे पास किसी इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, फिर सडन में इसके अंदर क्या हुआ, प्रेशर का इंक्रीज हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में इंपल्स नोजल वो नोजल होती है जिसके अंदर प्रेशर का इंक्रीमेंट सिर्फ कहाँ पर होता है, सिर्फ हमारे है ना नोजल के अंदर होता है। जैसे हम है ना डिफ्यूजर के अंदर गए, डिफ्यूजर के अंदर जाने के बाद, जैसे हम लोग डिफ्यूजर के अंदर गए, डिफ्यूजर के अंदर जाने के बाद हमारे पास क्या हुआ, इसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, वापस से सुनना, रिपीट करते हैं। हमारे पास जैसे हम लोग है ना स्टीम के अंदर गए, तो हमारे पास प्रेशर का क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। हमारे नोजल का काम क्या होता है, प्रेशर को डिक्रीज करना और वेलोसिटी को इंक्रीज करना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अंदर बात करें, हम लोग इंसर्ट गए और हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इन द नोजल। जब हम मूविंग ब्लेड के अंदर आए, तो मूविंग ब्लेड के अंदर ये वेलोसिटी किसके अंदर, इसको रोटेशनरी स्पीड देने में रिड्यूस हुई, तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, और फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इतनी हमारे पास है ना इनिशियल एनर्जी थी, यहाँ ये हमारे पास है मैक्सिमम गई, और यहाँ पर इस वैल्यू के साथ में हम लोग क्या आ गए, इसके साथ एग्जिस्ट हो गए। बात करें अगर प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर जो वैल्यू है हमारे पास में, प्रेशर हमारे नोजल के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, और फिर थ्रू आउट क्या रह गया, ये कॉन्स्टेंट बना हुआ रह गया। स्टार्टिंग में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और थ्रू आउट क्या बना के रह गया, ये कॉन्स्टेंट बना हुआ रहा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इम्पल्स, सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। ये किसकी स्टडी है, ये स्टडी है सिंपल इम्पल्स टर्बाइन की। अब क्यों हमको कंपाउंडिंग करनी पड़ रही है, कंपाउंडिंग क्या होता है वो आगे बताएंगे अभी। यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा हमारे पास में क्या हो रहा है, प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है। व्हाट वी हैव द हाई प्रेशर ड्रॉप हियर, और उस हाई प्रेशर ड्रॉप के कारण हमारे पास में क्या हो रहा है, वेलोसिटी सडन इंक्रीज होके निकलती है, और ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि अप्रोक्सीमेट 30,000 RPM, अप्रोक्सीमेट 30,000 RPM क्या करती है, ये कॉज करती है। अब 30,000 RPM जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, बट वो क्या होता है, प्रैक्टिकली हमको ना सूट नहीं करते हैं, वहां पर एग्जिट लॉस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, एग्जिट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि है ना कैरियर को लॉस, या फिर एनर्जी का लॉस क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम है ना रिकवर नहीं कर पाते हैं। इफ़ वी आर फेल इनटू द रिकवर ऑफ दिस लॉसेस, तो ये कि हमारी ना टर्बाइन के अंदर जितनी हम लोगों ने स्टीम जनरेट करी है, पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि है ना, या फिर कोई भी पावर प्लांट इंजीनियर नहीं चाहता कि इस है ना लॉस को हम लोग है ना कंट्रोल ना कर पाए। इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसकी कंपाउंडिंग करती है। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया, कि पहला कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या हो रहा है,
पहला मीनिंग कि ये जो है ना वेलोसिटी के अंदर गेन होने के बाद में ये वेलोसिटी जो ड्रॉप हो रहा है, ये वेलोसिटी ड्रॉप हम लोग है ना छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कर दें। ये वेलोसिटी का ड्रॉप हम लोग क्या करें, छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कर दें। छोटे छोटे स्टेप्स से करने क्या करने का फायदा क्या होगा कि जो ये एकदम से प्रेशर का लॉस हो रहा है या फिर एकदम से है ना जो वेलोसिटी इंक्रीज होकर आ रही है, ये वेलोसिटी मेरे पास कैसी आएगी, स्मॉल स्मॉल मैनर के अंदर आएगी। दूसरा हम लोग क्या करें, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में है ना ये प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है, इस प्रेशर के ड्रॉप को सडन ना करें, इस प्रेशर के ड्रॉप को सडन ना करें। सडन ना करने की जगह इसको हम लोग क्या करें, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप करें, मतलब कंसेक्यूटिव। अभी हमने क्या लगा रखी है, सिर्फ एक ब्लेड सेक्शन और एक मूविंग ब्लेड लगा रखी है। अगर हम एक से ज्यादा मूविंग ब्लेड एंड ब्लेड सेक्शन लगा दें तो उसको हम बोलते हैं स्टेजेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेजेस। तो अगर ये काम हम है ना मल्टीपल स्टेजेस के अंदर करें तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल लिमिट्स के अंदर क्या मिलती है, आउटपुट मिलता है, या फिर हम बोलें कि हमारी जो वेलोसिटी है वो किसमें मिलती है, प्रैक्टिकल लिमिट्स के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इसको अटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्बाइन की कंपाउंडिंग करते हैं। सो यू कैन राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपाउंडिंग, द मीनिंग ऑफ द कंपाउंडिंग इज, क्या लिख सकते हो मीनिंग ऑफ द कंपाउंडिंग, द रिड्यूस ऑफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टर्बाइन टू द प्रैक्टिकल लिमिट। इम्पल्स टर्बाइन की जो है ना लिमिट्स है उनको प्रैक्टिकल लिमिट्स में लेके आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। मैंने बताया तुमको कंपाउंडिंग किस किस की कर रहे हैं, हम लोग प्रेशर की कर रहे हैं, एक कंपाउंडिंग कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी की। तो हमने कंपाउंडिंग को अगेन डिवाइड कर दिया है थ्री सेक्शंस के अंदर। फर्स्ट वन इज फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारे पास है प्रेशर कंपाउंडिंग, सेकेंड हो गया हमारे पास है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और थर्ड हो जाएगा हमारे पास है प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। थर्ड क्या हो जाएगा, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं कि है ना क्या ये कंपाउंडिंग को बताना चाह रहे हैं हम। सो हियर वी हैव द कंपाउंडिंग। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं वही कंपाउंडिंग की डेफिनेशंस के बारे में। द कंपाउंडिंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ द रोटेशनल स्पीड टू द प्रैक्टिकल लिमिट। कितनी स्पीड मिल रही है मुझे, 30,000 RPM तक मिल रही है। 30,000 RPM के अंदर जो मेरे पास में है ना कैरी ओवर लॉसेज हो रहे हैं या फिर है ना वेलोसिटी एग्जिट लॉसेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकल लिमिट्स में लाने के लिए इसकी क्या कर देते हैं, कंपाउंडिंग कर देते हैं। मतलब इन्हीं को हम लोग मल्टीपल स्टेजेस के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या नेसेसिटी है, यही इसमें दिखा रखा है कि हम जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होती है, सफिशियंटली हाई एंथैल्पी होती है और सुपर हीटेड होती है। अगर ये हम लोग ना डायरेक्टली क्या होती है, इसकी प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, और हमको कितनी है वेलोसिटी मिल जाती है, 30,000 RPM तक वेलोसिटी मिल जाती है, जो कि क्या है हमारे प्रैक्टिकल यूज से बहुत ज्यादा होता है। तो इसको कंट्रोलेशन करने के लिए और वेस्टेज ऑफ स्टीम को रोकने के लिए, जो हमारे पास स्टीम की वेस्टिंग हो रही है उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम का यूज करते हैं कि हमें ना स्टीम को कैसे यूज करना है, वेस्टेज क्यों रोकना है स्टीम का, बोलो वेस्टेज क्यों रोकना है स्टीम का। जवाब दो, एनीवन, आदित्य, हाँ रूपांशु, नहीं सर कोई डाउट। अरे भाई हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है स्टीम को जनरेट करने के लिए, बॉयलर के अंदर रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, रॉ मटेरियल लाने के बाद में उसको फिर हमने हीट प्रोवाइड करवाई, हीट प्रोवाइड करने के लिए उसको अलग अलग मेथडोलॉजी का यूज किया। अब वहां से जो हमने फाइनल हमारा रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट अगर हम लोग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं या फिर उस रिजल्ट को है ना नहीं सही से यूज कर पा रहे हैं, तो वहां पर दी हुई पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमको है ना स्टीम का वेस्टेज को रोकना होता है। अब स्टीम के वेस्टेज को रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कंपाउंडिंग कर देते हैं। इस स्टीम के वेस्टेज को रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कंपाउंडिंग कर देते हैं। तो इस कंपाउंडिंग को हम लोगों ने देखो तीन टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास में वेलोसिटी कंपाउंडिंग, सेकेंड है मेरे पास में प्रेशर कंपाउंडिंग, एंड थर्ड वन इज द प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, जहाँ पर हम कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, प्रेशर का और वेलोसिटी दोनों का। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर कंपाउंडिंग के बारे में, फिर वेलोसिटी कंपाउंडिंग समझेंगे, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रेशर कंपाउंडिंग के बारे में। तो आओ देखो प्रेशर कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है।
देखो प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर नोजल और मूविंग ब्लेड, देखो हमारे पास में क्या आ रहा था, जो प्रेशर का ड्रॉप हो रहा था, प्रेशर कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उस प्रेशर ड्रॉप को एक साथ ना करके उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करें, हम लोग ड्रॉप करें, ठीक है, कि अगर हम उसको स्प्लिट कर दें ड्रॉप को, जैसे जैसे अगर बात करो कि मेरे पास में है ना, यहाँ पर पहले हमने देखा था कि यहाँ टर्बाइन्स थी ऐसे, और इन टर्बाइन्स के बाद में हमारे पास यहाँ पर से प्रेशर आया था, सडन ड्रॉप हो गया, और सडन ड्रॉप होने के बाद में यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सडन ड्रॉप हुआ, और सडन ड्रॉप होने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि है ना, ये जो सडन ड्रॉप हो रहा है ना, इस सडन ड्रॉप को मैं स्प्लिट कर दूं, स्प्लिट करने का मतलब कि कुछ स्टेप से हो, पहले थोड़ा हो गया फिर कांस्टेंट बन गया, थोड़ा हो गया फिर कांस्टेंट बन गया, थोड़ा हो गया, तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हुए चल रहे हैं तो लास्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास में जो प्रेशर है वो कंपेरेटिवली टू दिस जो हो रहा है हो तो रहा है, मगर जो इसके थ्रू वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा था वो वेलोसिटी का वेरिएशन क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो कह सकते हो कि प्रेशर कंपाउंडिंग क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ द होल प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम द स्टीम चेस्ट प्रेशर टू द कंडेंसर प्रेशर। व्हाट इज द स्टीम चेस्ट प्रेशर, जो हम बोल रहे हैं ये जो स्टार्टिंग थी इसकी, इसको हम लोगों ने बोला है स्टीम चेस्ट प्रेशर, स्टीम चेस्ट प्रेशर जिस पे ये क्या कर रही है, टर्बाइन के अंदर एंटर कर रही है, और ये जिस प्रेशर पे बाहर निकल रही है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं कंडेंसर प्रेशर। कि स्टीम चेस्ट प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर के ऊपर तक हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट करते हुए लेके आ रहे हैं इनटू अ सीरीज ऑफ द स्मॉल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द सेवरल स्टेजेस ऑफ इंपल्स टर्बाइन। ये सेवरल स्टेजेस ऑफ इंपल्स टर्बाइन के अंदर कैसे ड्रॉप करते हुए चलोगे, तो इसको देखो इसके लिए क्या करना है, हमको सेट ऑफ नोजल्स एंड मूविंग ब्लेड यूज करना है। देखो इसके अंदर बहुत अच्छे से इसको शो किया गया है, इसको है ना हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से शो किया हुआ है कि हमने क्या करा, सेट लिया किसका, नोजल का और मूविंग ब्लेड का। फिर हमारे पास में क्या है, नोजल है, मूविंग ब्लेड है, नोजल है और मूविंग ब्लेड है। ऊपर देखो अगर इसका है ना क्रॉस सेक्शनल डायग्राम के ऊपर फोकस करोगे तो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम किसके जैसा है, सिंपल इंपल्स टर्बाइन के जैसा है। अगर तुम सब भूल के सिर्फ यहाँ तक देखो तो ये क्या है, हमारे पास में एक सिंपल इंपल्स टर्बाइन है। तो हमने सिंपल इंपल्स टर्बाइन की क्या क्रिएट कर दी है, सीरीज क्रिएट कर दी है। इस सिंपल इंपल्स टर्बाइन की क्या कर दी है, सीरीज क्रिएट कर दी है। टर्बाइन तो देखिए ना आप लोगों ने कैसी होती है, हाँ या ना, आज क्या सब लोग मौनव्रत लेके बैठे हुए क्या? सर नहीं देखी। अरे यार मैं तो हर लेक्चर की स्टार्टिंग में तुमको टर्बाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं देखी तो। रियली में नहीं देखी सर, वैसे तो देखी है बुक्स वगैरह में तो। अच्छा मैं आपको है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना इसका वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर देखना, तब तक ये इसकी टर्बाइन। ये टर्बाइन है ठीक है, इस टर्बाइन के अंदर है ना देखो ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है ना, ये वाला, ये सब, ये जो ऐसे मूव ब्लेड्स दे रखी है, ये हमारी है ना क्या है, सेट ऑफ ब्लेड्स हैं। इसमें मतलब क्या कर रखा है, हमने बहुत सारी ब्लेड्स लगा रखी हैं। जब स्टीम मिलती है तो स्टीम क्या करती है, इसके साथ में है ना रोटेशन क्रिएट करती है, और इन टर्बाइन को क्या करती है, घुमाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने किसका यूज करा है, सेट ऑफ नोजल्स का या फिर सेट ऑफ ब्लेड्स का यूज किया, ताकि हमारी टर्बाइन क्या हो सके, एक बेटर वे में रोटेट हो सके। कल लेक्चर के अंदर है ना इसको रोटेट होता है दिखाएंगे आपको एडमिशन्स के थ्रू। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो वी आर ऑन द प्रेशर कंपाउंडिंग ना, देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नोजल और मूविंग ब्लेड के हम लोगों ने क्या बनाया, सेट बनाए। नोजल और मूविंग ब्लेड के सेट बनाने से फायदा क्या हुआ, जो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप एक साथ हो रहा था, उस प्रेशर ड्रॉप को हमने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले स्टीम आवेगा किस में जाएगी, नोजल के अंदर जाएगी, नोजल में गई तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप हो गया,
फिर मूविंग रेट्स के अंदर हम अज्यूम करते हैं कैसा बना हुआ रहता है, कॉन्स्टेंट बना हुआ रहता है, फिर ये ड्रॉप हो गया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब जो पी वन से लेकर पी नॉट हम एक ही बार में है ना ऑप्ट कर रहे थे, इसको हमने क्या कर दिया है स्मॉल और स्मॉल सीरीज के अंदर गेन कर लिया, स्मॉल स्मॉल सीरीज के अंदर ड्रॉप किया है। फायदा क्या हुआ, यहाँ से देखो यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ये वेलोसिटी ने कुछ अपनी वेलोसिटी किसको दे दी, इस मूविंग रेट को दे दी, पहली रेट हमारी क्या करने लगी, रोटेट करने लगी, फिर से है ना नोजल के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर इसने रोटेट कर दिया, फिर उसके अंदर नोजल के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर इसने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। जब आपको आरटीयू में है ना मान लो प्रेशर कंपाउंडिंग आ जाए, तो उस प्रेशर कंपाउंडिंग को तुम है ना इस डायग्राम के साथ साथ में एक और डायग्राम जो भी हम इससे पहले देख रहे थे ये वाला, इस डायग्राम के साथ में बनाओगे, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीपल सेट्स ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड्स के ले रहे हैं। इससे पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था तुम लोगों को, उस डायग्राम के अंदर है ना मैं बात कर रहा था सिर्फ किसके बारे में, मैं बात कर रहा था सिर्फ इस सेक्शन के बारे में, बट ये क्रॉस सेक्शन भी हमको उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द नोजल और स्टीम प्रेशर है। ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था, इस टर्बाइन को जिसने डिस्कवर किया था वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एल रेच्यू, साइंटिस्ट का नाम था एल रेच्यू। इसलिए प्रेशर कंपाउंडिंग को हम लोग रेच्यू टर्बाइन भी बोलते हैं, इसलिए प्रेशर कंपाउंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रेच्यू टर्बाइन भी बोलते हैं, कि रेच्यू टर्बाइन इज कौन सी टर्बाइन होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग टर्बाइन होती है। क्लियर, अब ये बताओ वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू इन द वेलोसिटी कंपाउंडिंग, डिफ्यूजर, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे पास रहेगी तो नोजल और ये मूविंग ब्लेड ही, ठीक है, रहेगी तो हमारे पास है ना नोजल एंड मूविंग ब्लेड ही, उस नोजल और मूविंग ब्लेड से ही हमको सब कुछ करना है, मगर कैसे करना है वो बताओ, बताओ। अभी हम लोगों ने क्या करा, वेलोसिटी को कंपाउंड करना है तो वेलोसिटी कहां पर कंट्रोल हो रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर हो रहा है, वेलोसिटी का रिडक्शन हो रहा है किसके अंदर, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है हमारी मूविंग ब्लेड्स के अंदर, जहां पर वो क्या कर रही है एनर्जी का लॉस कर दी है, वापस से गेन कब हो रही थी, जब हमने नोजल लगा दी थी, तो हम है ना वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर क्या करते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर एक नोजल यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, एक नोजल का यूज कर रहे हैं, इस नोजल के साथ साथ में, इस नोजल के साथ साथ में फिर हम लोगों ने क्या सेट लगाया, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड का, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फिक्स ब्लेड, ये क्या करती है हमारी स्टीम को गाइड करती है, गाइड करने का मतलब क्या है, यहाँ से स्टीम आई, स्टीम आने के बाद इसका प्रेशर, इसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, दूसरी में जाएगी तो इसके केसिंग के ऊपर ये टना हिट नहीं कर पाती है, इसलिए हमें ना इन टर्बाइन के थ्रू जाके इसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि दूसरी बार जाके वापस क्या कर सके, इसके ऊपर हिट कर सके, ठीक है, दूसरी बार जाके इसके ऊपर क्या कर सके, हिट कर सके, और इसकी शेप को कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा सके, इसके लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इस वेलोसिटी कंपाउंडिंग का यूज कर रहे हैं। दूसरी बात वापस से ये कहना चाहूंगा कि है ना अगर हमको वेलोसिटी कंपाउंडेड करनी है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी का ड्रॉप हो रहा था मूविंग ब्लेड के अंदर, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जनरेट कर देते हैं, तो इसके अंदर क्या कहेंगे हम लोग, दिस इज नथिंग बट स्प्लिटिंग ऑफ द वेलोसिटी ड्रॉप इन द वेरियस स्टेजेस, क्या है ये स्प्लिटिंग है इन द वेरियस स्टेजेस, कैसे स्प्लिट कर रहे हैं देखो उसको, इसके केसिंग डायग्राम से समझते हैं इसको ना, देखो यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया है, इसका केसिंग डायग्राम बनाया है विद द वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर कंसीडर करोगे तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जा रहा है मेरा, इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि हम लोग जो मास डिस्चार्ज कर रहे हैं उस मास डिस्चार्ज की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो बेसिकली ये किसका कॉम्बिनेशन है,
basically this is a combination of the nozzle, moving blade, guide blade. इसका combination है nozzle का, moving blade का और guide blade का. अगर हम लोगों ने ना प्रेशर कंपाउंडिंग के बारे में बात करी थी तो वहां पर क्या था हमारे पास में, नोजल था, मूविंग ब्लेड था, नोजल था फिर मूविंग ब्लेड था. हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में. तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बारे में क्या है, एक ही नोजल है, फिर क्या है मूविंग ब्लेड है. दो मूविंग ब्लेड के बीच में क्या लगा दी जाती है, एक गाइड ब्लेड लगा दी जाती है जो कि क्या करती है, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करती है. तो यहाँ पर ना तो गाइड ब्लेड के अंदर ना तो प्रेशर का लॉस हो रहा है, ना तो यहाँ पर प्रेशर का रहना कुछ वेरिएशन हो रहा है, ना इसके अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है. ये सिर्फ किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ हमारे स्टीम को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो इसके नीचे डायग्राम के अंदर देखते हैं. सबसे पहले नोजल आया, तो नोजल के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास नोजल आया, तो नोजल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, नोजल के अंदर हम लोगों के पास स्टीम की वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ और प्रेशर डिक्रीज होके है ना थ्रू आउट क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट हो गया, क्योंकि हम किसको कंपाउंड कर रहे हैं, हम कंपाउंड कर रहे हैं वेलोसिटी को. बात करें अगर है ना वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी देखो सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज हो रही है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई, फिर मूविंग ब्लेड के अंदर गई ये डिक्रीज हो गई, गाइड ब्लेड के अंदर कॉन्स्टेंट बनी हुई रहती है, फिर मूविंग ब्लेड के अंदर डिक्रीज, गाइड ब्लेड के अंदर कॉन्स्टेंट, मूविंग ब्लेड के अंदर डिक्रीज, एंड फिर इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं. मतलब ये जो हमारे पास में एक साथ ड्रॉप होने वाला था, यहाँ से जो एक साथ ड्रॉप होने वाला था, उस ड्रॉप को एक साथ लेने की जगह हम लोगों ने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप ऑप्ट किया है. ये कैसा जा रहा है हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है. इफ इट इज गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप, इट मीन्स हम लोगों ने क्या कर दिया है, वेलोसिटी को कंपाउंड कर दिया है. सब बोलोगे सर जब हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेशर एकदम से गिर रहा है तो वेलोसिटी क्यों नहीं इंक्रीज होगी, इट डिपेंड्स कि हमको कहाँ पर लगानी है. ठीक है, उसके ऊपर इनलेट पे कितनी अमाउंट ऑफ स्टीम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, आपको कितनी अमाउंट ऑफ स्टीम भेज रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमको है ना वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन लगानी है या फिर प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन लगानी है, या फिर हमको कॉम्बिनेशन यूज करना है प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग का. ठीक है, इसको जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था कर्टिस ने, इस टरबाइन को है ना डिस्कवर किया था कर्टिस ने, इसलिए हम इसको है ना कर्टिस टरबाइन भी बोलते हैं. This is known as the Curtis turbine. ठीक है, this is known as the Curtis turbine. तो pressure compounding को है ना हमारे पास दूसरा नाम क्या था, Ratchet turbine. Velocity का क्या नाम है, Curtis turbine. Simple impulse turbine को क्या नाम दिया था, D-level turbine. ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल इंपल्स टरबाइन के बारे में, तो इसको हमने नाम दिया है डी लेवल टरबाइन. अब मेरे को है ना थर्ड में क्या करना है, मुझे कॉम्बिनेशन यूज करना है इस प्रेशर का और इस वेलोसिटी का. समझो क्या कर रहे हैं हम लोग ना, इसको समझे. हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, प्रेशर कंपाउंडिंग करी. तो प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर मैंने क्या करा, इस टाइप से सेट ऑफ क्रिएट कर दिए, नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल एंड मूविंग ब्लेड. हम बात करें अगर है ना उसकी वेलोसिटी कंपाउंडिंग की, तो हम लोगों ने एक सेट क्रिएट किया जहां पर हमारे पास नोजल एक ही यूज करी, फिर हमने यूज करा मूविंग ब्लेड को, फिर हम लोगों ने यूज किया किसको, गाइड ब्लेड को, फिर उसके बाद क्या यूज किया हम लोगों ने, मूविंग ब्लेड को. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है जहां पर मैं प्रेशर को भी कंपाउंड कर सकूं और मैं वेलोसिटी को भी कंपाउंड कर सकूं. तो इस प्रेशर एंड वेलोसिटी के कंपाउंडिंग के लिए देखो हम लोगों ने जो अगला नाम दिया है उसको हमने नाम क्या दिया है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग. इस प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर देखो क्या कर रहे हैं, इस प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर हम लोगों ने ना एक सेट क्रिएट करा है. उस सेट के अंदर हम लोगों ने है ना दो सेट ले लिए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करी थी, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग करी थी. ये फर्स्ट सेट, ये हमारा फर्स्ट सेट जो कि किसको बता रहा है, एक सेकेंड, ये सबसे पहले है ना फर्स्ट सेट जो कि है ना डिनोट कर रहा है हमारे पास कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग कर रहे हैं.
ये दूसरा सेट जो कि क्या कर रहा है, वापस से वेलोसिटी कंपाउंडिंग कर रहा है, मगर यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, टू टाइम्स हम लोगों ने नोजल का यूज कर लिया है। पहली नोजल यूज करी हमने इस सेक्शन के अंदर, दूसरी बार नोजल हमने यूज करी इस सेक्शन के अंदर, तो जो प्रेशर का ड्रॉप था उसको हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर ऑफ कर लिया, मतलब हमारे पास में क्या हो गई है, प्रेशर कंपाउंडिंग। सिमिलरली जो वेलोसिटी का ड्रॉप था, ये वेलोसिटी ड्रॉप हम लोगों ने क्या करा, मल्टीपल सेक्शन में ऑप्ट कर लिया है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। और जहां पर ये दोनों जनरेट हो रही है उसको हमने नाम दे दिया प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन। इज इट क्लियर? अभी देखो यहाँ पर ये जो पूरा केस हम लोगों ने लगाया है एक सिंगल शाफ्ट के ऊपर लगाया है, ये सिंगल शाफ्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है, केस लगाया है, तो दिस टर्बाइन इज ऑल्सो नोन एज अ सिंगल शाफ्ट टर्बाइन। अभी जितनी भी पढ़ रहे हैं हम लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं, सबके अंदर एक सिंगल शाफ्ट टर्बाइन का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई सारी केसिंग हम कहां पर कर रहे हैं, एक ही टर्बाइन के ऊपर लगाते चल रहे हैं। और ये जो अपर पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द टर्बाइन, दिस इज नोन एज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द टर्बाइन। क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। नेक्स्ट अब हम छोटी सी बात करते हैं किसके बारे में, रिएक्शन टर्बाइन के बारे में। जनरली जब रिएक्शन टर्बाइन की बात करते हैं तो रिएक्शन टर्बाइन के अंदर क्या होता है, हमारे पास स्टीम का नोजल, स्टीम का जो एक्सपेंशन होता है वो स्टीम का एक्सपेंशन हमारी फिक्स ब्लेड के अंदर भी होता है एज वेल एज मूविंग ब्लेड के अंदर भी होता है। हमारी जो स्टीम का सेना किसके अंदर होता है, एक्सपेंशन जो मूविंग ब्लेड है उसके अंदर भी होता है और फिक्स ब्लेड के अंदर भी होता है। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग सेट क्रिएट करते हैं ना, वो किसका क्रिएट करते हैं, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड का। यहाँ पर हम लोग जो सेट क्रिएट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड का। तो प्रेशर का ड्रॉप, प्रेशर का ड्रॉप कैसा हो जाता है, हमारा स्टेप बाय स्टेप हो जाता है, मतलब हम प्रेशर ड्रॉप को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट करते चल रहे हैं। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई इस टर्बाइन की जो कंपाउंडिंग होती है, रिएक्शन टर्बाइन की, वो जनरली कैसी होती है, प्रेशर कंबाइंड, प्रेशर कंपाउंडिंग होती है। और इस टर्बाइन को डिस्कवर किया था पार्सन्स ने, जिसने फिर हमने बोला था कि इसकी जो रिएक्शन होती है, डिग्री ऑफ रिएक्शन वो 50% होती है, तो इस टर्बाइन को नाम दिया गया है पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। इस टर्बाइन को नाम दिया गया है पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। सो हम लोगों ने ना इन कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया कि कौन कौन सी टर्बाइन कंपाउंडिंग कर रहे हैं। कल हम लोग जितना भी है ना ज्योमेट्री का सामान है वो लेके बैठना, गवर्निंग को थोड़ा सा रुक के करेंगे, पहले हम लोग वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। ओके, फिर आज की क्लास को अपन एंड करते हैं।